दोस्तों, क्या आप 5 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होने वाली इस छोटी सी बच्ची के बारे में कुछ जानते हैं? तो क्या आप दुनिया की कम हाइट वाली इस माँ का नाम बता सकते हैं जिन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया? और 3 बच्चों को जन्म देने वाले थॉमस ने पूरी दुनिया को क्यों चौंका कर रख दिया है? अगले कुछ मिनटों में आप इन सभी लोगों की प्रेगनेंसी से जुड़े ऐसे ही अनसुनी बातों को जानेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, लीना मेडिना। त्रिकापो पेरू लीना का जन्म एक सुनार टेबुरेलो मदीना और विक्टोरिया लोरिस के यहाँ हुआ, जहाँ लीना जब 5 साल की थी तब उनका पेट अचानक ही फूलने लगा, जहाँ इनके माता पिता इनके पेट के आकार से चिंतित होकर उसे स्थानीय मान्यताओं के अनुसार एक ओझा के पास परामर्श के लिए ले गए थे। पर ओझा के अनुसार लीना के पेट में एक सर्प था जो कि शैतान का प्रतीक था। हालांकि हार कर इनके पिता ने पास के एक हॉस्पिटल में ले जाने की सोची, जहां शुरू में सभी को ये लग रहा था कि लीना के पेट में रसौली है, लेकिन डॉक्टर ने इनका टेस्ट किया जिसके बाद कंक्लूजन पर पहुंचे कि वो 7 महीने से प्रेग्नेंट है। हालांकि डॉक्टर जोदार्जो लोजाना लीना की गर्भावस्था के कंफर्मेशन के लिए इन्हें अन्य विशेषज्ञों को दिखाने के लिए भी लीमा ले गए थे, जहां टेस्टिंग में 1.5 महीने बाद 14 मई 1939 को मदीना के सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए लड़के को जन्म दिया, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इनके योनि के आकार की वजह से संभव नहीं थी। लेकिन ये मामला विस्तार से डॉक्टर एडमिंडो एस्केमेलो के द्वारा मेडिकल जनरल लॉ प्रेसिडरी मेडिकल रिपोर्ट में दिखाया गया, जिसमें ये जानकारी दी गई कि लीना सिर्फ 8 महीने की उम्र में राजस्वला हो गई और 4 साल की उम्र तक उनके सनों का आकार पूर्ण हो चुका था। इसके अलावा 5 साल की उम्र तक इनकी योनि का चौड़ा होना, हड्डियों का काफ़ी मजबूत होना, ये सब हो चुका था। पर लीना ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने पाया कि प्राइवेट पार्ट भी प्रजनन के लिए विकसित हो चुके थे, मगर वक्त बीत जाने के बाद भी लीना ने कभी अपने बच्चे के पिता का नाम और परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया कि वो प्रेग्नेंट हुई थी। हालांकि डॉक्टर एस्केमेलो के अनुसार खुद लीना को ये बातें ठीक से नहीं पता थी। हालांकि जोदार्जो ने लीना की गर्भावस्था का पता चलने पर पुलिस को सूचित किया, लीना के पिता को इनके साथ बलात्कार दुर्व्यवहार के बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सबूतों की कमी के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद लीना के 11 साल के मध्य बुद्धि भाई को भी गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया, मगर फिर भी कोई ठोस सुराग न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। मगर मामले की पूरी तरह से जांच करने के बाद 1955 में एक लेख के अनुसार कुछ इंडियन गांवों में, जिसमें से लीना का गांव भी था, हर साल अक्सर फेस्टिवल मनाया करता था और फेस्टिवल के एंडिंग ग्रुप तक लोगों के द्वारा फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाए जाते थे। इस दौरान बहुत सी लड़कियों के साथ बलात्कार भी किया जाता था, लेकिन ये वारदात भी सबूत के लिए काफ़ी नहीं थे कि कैसे 5 साल की लड़की ने गर्भ धारण कर लिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। नंबर 2, थॉमस। दुनिया को अपने प्रेगनेंसी के दम पर हिलाकर रखने वाले थॉमस ने एक आदमी के रूप में जन्म नहीं लिया था, वो जन्म से लड़ती थे, लेकिन 10 साल के थे तब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें पुरुष बन जाना चाहिए, जहां उन्होंने सबसे पहले 23 साल की उम्र में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ट्रीटमेंट लेना शुरू किया ताकि वो आदमी की तरह जिंदगी गुजार सके। मगर इसके बाद मार्च 2002 में एक सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के सहारे वो एक पुरुष में तब्दील हो गए, लेकिन उन्होंने हिस्टोरेक्टोम के अंतिम चरण को नहीं कराया, जिससे कि इनके अंदर अभी भी गर्भाशय मौजूद है। तो वहीं इनकी पत्नी नैन्सी किन्हीं वजहों से गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। ऐसे में थॉमस ने फैसला किया कि वो गर्भ धारण करके दोनों बच्चों को पैदा करेंगे, इसलिए उन्होंने इस फैसले के बाद साल 2008 में पहले बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान थॉमस 3 बच्चों के माँ बन चुके थे। नंबर 3, स्टेग ह्यूराड। आइए अब आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे कम हाइट वाली माँ से, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय की वजह से आज दुनिया की सबसे हिम्मती और प्यारी माँ का खिताब हासिल किया है। जहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ केंटुटी की निवासी स्टेसी हेराल की लंबाई कुल 2 फीट और 4 इंच है, जिसमें स्टेसी ने साल 2000 में विल से शादी की, जिनकी हाइट 5 फीट 9 इंच थी। तो वहीं स्टेसी को ऑगस्टिनियोसिस इम्फोमेक्टा नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से इनकी लंबाई नहीं बढ़ पाई। इसके बावजूद आज वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। लेकिन जब स्टेसी प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर्स ने इन्हें साफ साफ कह दिया कि इनका शरीर छोटा है, स्ट्रेस को नहीं उठा पाएगा, प्रेगनेंसी की वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि इनका शरीर इतना छोटा है कि बच्चे के गर्भ में होने वाले उसका दिल और फेफड़ा भी काम नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी स्टेसी ने गिव अप नहीं किया। आज स्टेसी एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। यह वर्तमान स्टेसी की 2 बेटियाँ 1 बेटा है। तो दोस्तों, आपको दुनिया की इन शानदार और हिम्मती माओं के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।